हेलो हाँ बोलो। भैया, मुझे भी आपके जैसा थ्री फिंगर में गेम खेलना सिखाओ ना। अरे कहना क्या चाहते हो? थ्री फिंगर में क्या बहुत होता है? फास्ट फास्ट वाल लगाने। थ्री फिंगर सेटिंग पे बोल रहे हो क्या? हाँ, वो थ्री फिंगर सेटिंग। मतलब आपको क्या सीखना है अभी? आप तो इतना अच्छे खेलते हो पहले से, आपको थ्री फिंगर क्यों सीखना है? आप तो टू फिंगर पे इतना अच्छे खेलते हो ना। नहीं, मुझे भी प्रो बनना है ना आपके जैसा। आप अकेले अकेले प्रो बन के चल रहे हो, मुझे भी सिखाओ। फास्ट अरे अरे चलो, आपको थ्री फिंगर पे क्या सीखना है बताओ। ग्लू वाला लगाना, लेफ्ट फायर बटन और उपती वाला हेडशॉट, जैसे आप मारते हो ऐसे। नहीं, अच्छा अरे ऐसा वाल वाल लगाना सीखना है क्या आपको? वाल लगाना नहीं आता? ओके ओके। तो गाइस अभी मुन्ने जैसा बोला, मतलब एचओडी पे थ्री फिंगर एचओडी पे वाल लगाना टफ होता है, मतलब हार्ड होता है। तो गाइज मैं आपको बात करके ऐसे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ वीडियो पे। तो मुन ऐसा करते हैं, ठीक है? आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, वीडियो पे मतलब आप यूट्यूब पे ही जाके देख लेना, ठीक है? उधर टिप्स एंड ट्रिक देता हूँ, तो आप जाके उधर ही देख लेना, ठीक है? आपका जो डाउट था ना, मतलब कैसे यूज करते हैं स्विच बटन, वॉल कैसे लगाते हैं, एनालॉग बटन कैसे यूज करते हैं, लेफ्ट फायर बटन कैसे यूज करें, जो आपका मन में था वो सब पूरा दूर होने वाला है। अभी हैंड कैम तो नहीं है, ठीक है मुन्नी? अभी ये हैंड कैम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब ऐसे ऐसे करना है तो आपका परफेक्ट वाल लग जाएगा ऐसा करके। तो गाइज सिर्फ मुन को ही मैं नहीं सिखा रहा हूँ, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग भी मतलब थ्री फिंगर सेटिंग एचओडी मतलब ट्राई करना चाहोगे तो मतलब उधर टिप्स एंड ट्रिक थोड़ा सा जानने का मन कर रहा होगा आपको भी, कैसे यूज करते हैं लगाने, मतलब वाल कैसे लगाते हैं बोल के। आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इनका 1 मिलियन करा दो भाई, करा दो। जैसे कि मुन्ने बोला था, अभी गेम प्ले दिखा के इधर बात करके समझाएंगे आप लोगों को। तो पहले हम इधर जाके एचओडी को पूरा ट्रांसपेरेंसी फुल कर देंगे, जो आप लोगों को देखने के लिए भी थोड़ा इजी हो जाए। तो चलो इतना इतना कर देंगे तो हो जाएगा। पहले हम इधर एमओ फैल देते, ठीक रख देते हैं, और जाते ही इधर चलो एक बार हम मार के दिखाते हैं आपको वाल कैसे लगा देते। आप लोग जस्ट फोकस करना मेरा एनालॉग बटन है, ठीक है? मैं एनालॉग बटन को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कैसे वो कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ और वाल कैसे परफेक्ट लग रहा है, ठीक करना है और कैसे करना है। अभी ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब हैंड कैम वीडियो तो नहीं है, हैंड कैम भी आएगा जल्दी, लेकिन हैंड कैम के लिए आप लोगों को लाइक कंप्लीट करना पड़ेगा। आप लोग लाइक ही नहीं करते। अभी लग हमारा वाल कितना अच्छा लगा, हमारे वाल के साथ कैसा लगा गया जो। अब जैसे कि ये हुआ हमारा जो एनालॉग बटन, एनालॉग बटन जो है मैंने इधर हटा दिया इसको, तो मतलब हटाना मिलता है कैसे हटाना है आप लोगों को पता होगा। जो इसको ना नीचे पूरा नीचे करके लेके आके इसका साइज 0 कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, और आपको जिधर भी यूज़ करना है एनालॉग, जहाँ पे भी आएगा इधर लेफ्ट साइड पे देखो जैसे भी आएगा। मेन रीज़न है गाइस वाल का जो एनालॉग बटन, जो आप ऐसे वाल को प्रेस करो, वाल को प्रेस करके एनालॉग बटन को आप किस किस डायरेक्शन पे वाल लगाना है ऐसा करो और सिट करो, देखो ऐसा करो एनालॉग बटन के साथ, एनालॉग छोड़ना नहीं, ठीक है? ऐसा करो और फायर करके लेफ्ट फायर बटन से ही लगाना पड़ेगा आपको, जल्दी लग जाएगा। देखो मेरा एनालॉग बटन देखो, ऐसा 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 करना है। अभी आप लोगों को बहुत जो मतलब हार्ड होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का ना जो फिंगर होता है अच्छे से सेट नहीं होता, फर्स्ट टच तो अच्छे से सेट नहीं होगा एच यू डी पे, इसलिए आपका वाल भी उसमें अच्छे से टच नहीं होगा और स्विच का बटन भी उसमें इतना अच्छे से टच नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, सिर्फ जो अनलिमिटेड कस्टम होता है ना उससे उससे आप वाल लगाने का प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा गाइज। और गाइज हम स्विच यूज़ करते हैं अब, ठीक है? जब स्विच पे ये होता है कि आपका जो स्विच बटन है इधर ऊपर जो ए वाला है स्विच बटन, इसको स्विच बटन बोलते हैं, ठीक है? इसको स्विच बटन बोलते हैं, गन स्विच करता है और ड्रैग भी होता है इससे। ओके तो चलो एक ऐसा करते हैं, ये आपको स्विच का है तो स्विच का ही दिखाएंगे। तो ये स्विच है ना, आपको स्विच जस्ट क्या करना है, रन पहले मैंने बोला था कि कल रनिंग और स्विच बोला था,
पहले आप ऐसे होगे, मतलब सीधा होगे, और उसके बाद आप रनिंग करोगे। आपके पास पहले गन नहीं होगा, और रनिंग करोगे और स्विच करोगे, और फायर करोगे, स्विच करोगे और रनिंग करोगे। आप जितना जल्दी ऐसा करोगे और रोटेशन अच्छा होगा तो ड्रैग पे रोटेशन ड्रैग अच्छा करोगे तो आपका ये भी लग जाएगा जैसे। और आपको जंप के साथ कैसे यूज करना है, जंप के साथ जो स्विच बटन होता है, जंप के साथ ऐसे यूज करते हैं, रनिंग जंप और स्विच और फायर, रनिंग जंप स्विच और फायर। देखो कैसे कर रहा है, मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा गाइस। जैसे थोड़ा सा जिगजैग करो, स्विच करो, फायर करो और रनिंग करो। देखो गाइस, चलो मैं ऐसे ही मारने वाला हूँ, ठीक है, मतलब वाल बिना वाल के, मतलब अपोनेंट के साथ जाके मारने वाला हूँ, ठीक है। कैसा लगता है स्विच से, इससे मेरा अपोनेंट की तरह चले, एक वाल लगा देखो, इससे भी पता चले कि फाइट करना है आपको। स्विच करने के टाइम में ना थोड़ा सा भी टाइम लेना नहीं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा टाइम लोगे ऑपरेटर उतना ईजी होगा। देखो अभी मैंने कितना मार दिया इधर रेड पर स्विच। तो गाइस हम इधर करने वाले अभी दो गन स्विच, मतलब सीसीटी होता है ना, एक गन के बाद जो सीसीटी लेते हैं, एक गन उसका एमो खत्म हो गया तो दूसरा गन जल्दी निकाल के मार देते, अभी हम ट्राई करते हैं। स्विच इससे स्विच पर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग जितना अच्छा स्विच पे मतलब कवर करोगे ना उतना अच्छा हेड लगेगा गाइस। और स्विच बटन से सिर्फ स्विच ही नहीं होता है, ये ड्रैग होता है गाइस। चलो अभी हम इधर फाइट करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी गन दो गन स्विच करके कैसे लग जाएगा, कितना अच्छा लग रहा है। देखा पूरा इमेज जस्ट इधर राइट से जहाँ पे आप लोग जो गन ए लेते हो ना, जो गन इधर एक्सचेंज करते हो ना, इधर से नहीं करते गए गन, जस्ट हम फर्स्ट पे इधर से करते और उसके बाद पूरा स्विच से ही चलता है। तो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मतलब स्विच बटन का काम सिर्फ स्विच करना नहीं, ये होता है ड्रैग, ऑटोमेटिक ड्रैग होता है, जबकि आपका अच्छे से स्विच बटन पे हैंड सेट हो जाता है, मतलब फिंगर सेट हो जाएगा, तो आप इजी मार सकते हो हेडशॉट। इतना मतलब हेडशॉट के लिए उतना मुश्किल नहीं है, जब आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करके मारते हैं ना उस टाइम पे बहुत टफ होता है हेडशॉट मारना। जो थ्री फिंगर होता है, थ्री फिंगर अभी तो मेरा ये सेटिंग जो है सिर्फ अच्छा मूवमेंट है हेडशॉट का। आप ज़्यादा रश गेम ही खेलोगे तो अच्छा ही होगा, फिर से हम ट्विच करके मारने वाले, ठीक है। ओके साहब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लग जाएगा कि नहीं लगता, मेरे को लग रहा है 100 लग जाएगा। देखो अब नहीं मरा, अरे मरे नहीं। चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, टाइम से फिर से लग गया और रीलोड आ गया। तो इस टाइम पे ना आपको थोड़ा सा जिगजैग करना है, ठीक है, वरना तो रीलोड होने टाइम तक तो मार देंगे अपोनेंट। एक काम होता है सिर्फ स्विच का। अब आप इधर राइट से करोगे तो उतना ज़्यादा चांस नहीं होता है कि, मतलब राइट से स्विच करोगे तो उतना ज़्यादा चांस नहीं होगा कि हेडशॉट लगेगा आपका। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता in the lane, sorry you didn't wait, I had to get it, go get it, ain't nobody giving nothing back to me, no, ballin' no net up, I'm feeling like Kobe, cause no one gon' stop me, no, I've been walking down a long road, no, it's hard, the Lord knows, hoping I go where the Lord goes, bigger is hard to court stress, catching up, but ain't no net, I give it all and no less, back in the mall like Rolex, back in my bag and it's over now, I know it's
I smoke a lot so there's no shit. I'm in this bitch like holy. I'm heating up and I don't freeze.